हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव क्लासेस। नामदेव क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में मध्य भारत, जो हम पढ़ रहे थे आपके मध्य प्रदेश का भव्य विभाजन, उसमें आज हम पढ़ेंगे मालवा के पठार को। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मालवा के पठार को। तो आइए जानते हैं मालवा के पठार के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मालवा का पठार है उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश में क्या है। तो यार अगर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मालवा पठार। जनरली मैं आपको दिशाएं बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है आपका मालवा का पठार, और मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो है अरावली पर्वत श्रृंखला। वही मालवा के पठार में अगर आप देखेंगे उत्तर और पूर्व में तो है आपका मध्य भारत का पठार। वही आप मालवा के पठार के दक्षिण में देखेंगे तो है नर्मदा सोन घाटी, और मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के आप पूर्व में देखेंगे तो है आपका रीवा पन्ना का पठार। अब आइए हम बिल्कुल विस्तृत चर्चा करते हैं मालवा के पठार में। तो सबसे पहले होता है निर्माण। मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है प्यारे बच्चों, वह हुआ है ज्वालामुखी निर्मित से। जो मालवा का पठार है वह ज्वालामुखी निर्मित है, इसलिए यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो मृदा है, बहुत ही क्या है, उपजाऊ है। इसलिए आपने देखा होगा जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार को बोला जाता है गेहूं की डलिया। चलिए आइए देखते हैं दूसरा, जो मालवा के पठार की जलवायु है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है, ये पाई जाती है सम जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु। और मालवा के पठार की जलवायु को चीनी यात्री आए थे आपके, तो चीनी यात्री ने बोला है मालवा के पठार की, मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। ठीक है, अब हम बात करेंगे मालवा के पठार के क्षेत्रफल की। तो प्यारे बच्चों, मालवा का जो पठार है, इसका जो क्षेत्रफल है, यह है 88,222 वर्ग किलोमीटर। वही परसेंटेज में हम बात करें तो यह 28%। जो मालवा का क्षेत्रफल है, मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल है, यह सभी पठारों में अर्थात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भू आकृति है आपकी मालवा का पठार। यह आपकी जनसंख्या के मामले में भी बड़ा है और आपका क्षेत्रफल के मामले में भी मालवा का पठार सबसे बड़ा है। डिस्कस करेंगे हम जिले में, तो मालवा के पठार में टोटल जिले आते हैं वो आते हैं 16। कितने जिले आते हैं टोटल आपके? 16 जिले आते हैं, जिनमें प्रमुख जिलों की अगर हम बात करें तो इंदौर जिले, उज्जैन जिला और भोपाल संभाग के सभी जिले इसमें आते हैं। बाकी आपका रतलाम भी आता है, झाबुआ, अलीराजपुर, ये सब इसमें आते हैं 16 जिले आपके मालवा के पठार में। क्लियर है? बात करेंगे हम आपकी वर्षा की। तो जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार में वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में आपके मालवा के पठार में वर्षा होती है। वहीं हम बात करें मालवा के पठार के वनों की, तो वन पाए जाते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं साल, जो वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं वो साल, सागौन और हर्रा के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। हम बात करेंगे यहाँ की मिट्टी की, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे आके मालवा के पठार में। इसलिए आपने देखा होगा मालवा के पठार की जो कपास होती है बहुत अच्छी होती है। मालवा के पठार में जो कपास का उत्पादन क्या होता है? सरप्लस होता है। बात करेंगे फसल की, तो यहाँ की जो फसलें हैं वह है गेहूं, सोयाबीन, कपास। और मैंने अभी आपको बताया था मालवा के पठार को गेहूं की क्या बोलते हैं? दलिया बोलते हैं मालवा के पठार को। बात करेंगे नदियों की, तो मालवा के पठार में नदियां भी बहुत सारी हमें देखने को मिलती है। सबसे प्रमुख मिलती है हमें चंबल नदी, उसके बाद मिलती है हमें छिप्रा नदी। छिप्रा जो नदी है उसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है। फिर मिलती है हमें पार्वती नदी, फिर मिलती है हमें काली सरोवर, फिर आपकी बेतवा मालवा के पठार की प्रमुख नदियों में से एक है। बात करेंगे प्रमुख चोटी की, तो मालवा के पठार की प्रमुख चोटी पहली है आपकी सिगार, यह है आपकी 881 मीटर। दूसरी है प्यारे बच्चों जाना पाओ, यह है आपकी 854 मीटर। और तीसरी है आपकी धजारी, यह है आपकी 810 मीटर। तो ये हो गई मालवा के पठार की प्रमुख चोटियां। अब हम डिस्कस करेंगे खनिज पे। तो जो मालवा के पठार में, वैसे तो मालवा के पठार में खनिज की अनुपलब्धता है, मतलब खनिज यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें नहीं मिलते हैं, फिर भी हमें रॉक फॉस्फेट मिलता है आपका झाबुआ में, और हमें सागर में यूरेनियम के एसटी भी प्राप्त हुए हैं ऐसा बताया जाता है। बात करेंगे उद्योग की, तो मैं आपको बताऊं जो आपका मालवा का पठार है, ये आपका औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न पठार है आपका मालवा का पठार। यहाँ पे उद्योग धंधे हैं, वहाँ उनका विस्तार बहुत है। जैसे हम बात करेंगे आईटी पार्क, आपका भोग है आपका इंदौर में आपका आईटी पार्क, फिर है आपका देवास में बैंक नोट प्रेस आपका, फिर है आपका मंडी राजस्थान में है ना, तो फिर है आपका पीथमपुर। पीथमपुर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और ये सब मालवा के पठार में आते हैं। पीथमपुर को बोला जाता है
भारत का रेड लाइट, यहाँ पे ऑटोमोबाइल अर्थात यहाँ पे कारें बनती है। फिर है आपका भेल, ये आपका भोपाल में पड़ता है आपका भेल, और ये भी बहुत बड़ा आपका भोपाल भी बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और ये सब मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैंने आपको कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पे यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है। फिर बात करेंगे जनजाति, तो मालवा के पठार में सबसे प्रमुख जनजाति पाई जाती है प्यारे बच्चों, वो पाई जाती है भील और भिलाला। तो ये भील जनजाति पाई जाती है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, अर्थात मालवा पठार के पश्चिमी भाग जो है ना, यहाँ पे आपकी क्या क्या पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है आपके अभिलाषों में, धार में, झावलों में, इनका बहुत ज्यादा आपका घरत पाया जाता है भील जनजाति का। आपका गोबर के धंधे है वहाँ भी उनका विस्तार बहुत है। जैसे हम बात करेंगे आई टी पार्क, आपका भोग कर पाया आपका इंदौर में आपका आई टी पार्क, फिर है आपका देवास में बैंक नोट प्रेस आपका, फिर है आपका मंडी राजस्थान में है ना, तो फिर है आपका पीथमपुर, पीथमपुर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और ये सब मालवा के पठार में आते हैं। पीथमपुर को बोला जाता है भारत का रेड लाइट, यहाँ पे ऑटोमोबाइल अर्थात यहाँ पे कारें बनती है। फिर है आपका भेल, ये आपका भोपाल में पड़ता है आपका भेल, और ये भी बहुत बड़ा आपका भोपाल भी बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और ये सब मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैंने आपको कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पे यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है। फिर बात करेंगे जनजाति, तो मालवा के पठार में सबसे प्रमुख जनजाति पाई जाती है प्यारे बच्चों, वो पाई जाती है भील और भिलाला। तो ये भील जनजाति पाई जाती है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, अर्थात मालवा पठार के पश्चिमी भाग जो है ना, यहाँ पे आपकी क्या क्या पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है आपके अभिलाषों में, धार में, झावलों में, इनका बहुत ज्यादा आपका घरत पाया जाता है भील जनजाति का। बात करेंगे हम मतलब मालवा के पठार में प्यारे बच्चों पर्यटन की, तो पर्यटन तो मध्य प्रदेश के जो आपका मालवा का पठार है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन आपका देखिए तो राधा मंडल आपका इंदौर में है ना, वही आपका खजराना गणेश मंदिर है, बहुत ही तीर्थ स्थल है। वही बात करेंगे अभी हाल ही में महाकाल लोक का आपके उज्जैन में अनावरण हुआ है, तो महाकाल लोक बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है, साथ साथ के आपका पर्यटन स्थल भी है। वही बात करें हम गोविंद गिरी आपका इंदौर में, गोविंद गिरी जो है आपका ये जैनियों का तीर्थ स्थल है। वही बात करें हम ताजुल मस्जिद, ये आपके भोपाल में है, भूस्थान तथा बनिहार राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां है प्यारे बच्चों, भोपाल में। बात करें हम भीमबेटिका की, तो भीमबेटिका जो है आपका ये आपका प्यारे बच्चों रायसेन जिले में। वही बात करें हम आगे आपकी सांची की, तो सांची आपका क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी कहां है आपका, ये भी आपका रायसेन जिले में। बात करें भोजपुर का शिवलिंग, भोजपुर का मंदिर ये आपका रायसेन में है, और ये शिवलिंग ये एशिया का सबसे बड़ा आपका शिवलिंग है। वही बात करें हम रतलाम की, तो रतलाम में प्यारे बच्चों त्रिवेणी का मेला लगता है, और ये भी आपका मालवा के पठार में आता है रतलाम, इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी का मेला खास हो जाता है। रायसेन का किला और राजा रोहित है, ये सब आपके मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इतना जाना हमने आज अपने मालवा के पठार में, अब हम आपसे कुल मिला के 5 या 6 क्वेश्चन पूछेंगे मालवा के पठार के, उसका मुझे आपको आंसर देना है। ये आपके 5 क्वेश्चन है, आपको इनके उत्तर देना है। पहला आपका क्वेश्चन है कौन सा पठार अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चले अवंती महाजनपद कहाँ था, तो उज्जैन वाला जो एरिया था वहां पर इसकी लोकेशन थी अवंती महाजनपद की। तो कौन सा पठार अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मालवा का पठार। क्या है इसका आंसर, मालवा का पठार इसका आंसर। फिर पूछा गया है मध्य प्रदेश का